गाड़ियों की हो या जिंदगी की हो, जीतते वही हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। जीवन का ये फलसफा विपरीत हालात से बचने में आपकी मदद करता है। अब हर दिन चढ़ते हुए पारे को ही ले लीजिए, तपता सूरज लोगों की सेहत बिगाड़ने की तैयारी में है। हालत ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी है। जी हाँ, मौसम के मिजाज को देखते हुए लाइफस्टाइल का गियर बदलिए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए ताकि सेहत की हिफाजत हो सके, क्योंकि अप्रैल से जून तक देश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है, लू भी चलेगी। मीनाक्षी जोशना, इतना ही नहीं, इस बार तो सबसे ज्यादा 20 दिन लू चलेगी। हीट वेव का पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी टूटने वाला है। देश के 85% इलाके प्रचंड गर्मी की गिरफ्त में आएंगे और इसलिए अभी से सावधानी बहुत जरूरी हो जाती है। तभी तो बढ़ती हुई गर्मी ने सरकार की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अप्रैल से लेकर जून तक होने वाले जनरल इलेक्शन में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और निकलना भी तो होगा। इसमें यंगस्टर्स भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, जाहिर है हीट वेव की चपेट में आने का खतरा उन्हें भी होगा। जबकि देश की बड़ी आबादी पहले ही हार्ट डिजीज, हाइपोटेंशन और डायबिटीज की गिरफ्त में है, सूरज के सीधे संपर्क में आना उनके लिए और जानलेवा हो सकता है। दरअसल गर्मी बढ़ने से शरीर को चलाने वाली तीनों जो बायोलॉजिकल एनर्जी के बीच एक संतुलन है वो बिगड़ जाता है और पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। और जब गर्मी से बचने के लिए फ्रिज से रखी ढकी ठंडी ठंडी चीजें आप निकालते हैं, खाते हैं या पीते हैं, तो उससे कफ की प्रकृति बढ़ती है। तो वहीं खराब खान पान की वजह से, एक्सेस ईटिंग की वजह से गैस एसिडिटी को ट्रिगर करता है और फिर त्रिदोष इम्बैलेंस होते ही आप बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए आज मौसम के हिसाब से सेहत की हिफाजत के लिए लाइफस्टाइल का गियर कैसे बदलना है, कितना बदलना है, कौन से गियर पर डालना है, ये हम जानेंगे। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, अमित जी आपको भी और ज्योत्सना जी आपको भी। देखो, एक तो सूर्य नमस्कार, तो जैसा काल हो, कैसा भी काल हो, कैसा भी हाल हो, बुरे हाल होने से बचाना है तो सूर्य नमस्कार तो करना ही है। पित्त बढ़ जाए तो उसके लिए कुंजर क्रिया कराते हैं। पित्त के लिए कुंजर, कफ के लिए नस्य और वात के लिए बस्सी, ये तीन रामबाण उपाय हमारे बालक इधर कर रहे, पानी पी रहे, पानी पी करके लगभग 2 लीटर पानी की पी के उसको निकालते हैं। फिर एक तो ये कुंजर क्रिया है, फिर उधर दंड से भी एक नली डाल ली और उससे भी ये शरीर से पित्त बाहर निकालते हैं। और पित्त बढ़ जाता है तो आंखों पर भी बुरा असर हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, स्किन के ऊपर कई प्रकार के रैशेज और उपद्रव आने लगते हैं। तो आँखों को पित्त से बचाने के लिए यह है जल नेति, और ज़्यादा ही कफ बढ़ जाए तो सूत्र नेति, और अंदर से जमे हुए कफ को उखाड़ने के लिए वस्त्र धोती। ये सारे ही उपाय यहाँ पर आप देख रहे हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे बालक हैं उसको निष्पन्न कर रहे हैं। एक तरफ ये सूर्य नमस्कार, ये तो त्रिदोष सामक। आज मेरे पीछे आप पतंजलि गुरुकुलम, जो विश्व का श्रेष्ठतम गुरुकुल है, इस बार 3 कार्य होने वाले हैं रामनवमी पर। 350वीं जयंती है वीर श्रोमण छप्त शिवाजी महाराज की, और हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज पहली बार व्यासपीठ से छप्त शिवाजी महाराज जी की कथा करने वाले हैं। पतंजलि गुरुकुलम का विधिवत उद्घाटन होने वाला है और रामनवमी का आध्यात्मिक दीक्षा पर्व, जिसमें हम 30 साल के तो सन्यासी हो जाएंगे और इस जन्म की हमारी 50 सालों की और जन्म जन्मांतरों की ये सेवा हमारी आगे बढ़ रही है। आज त्रिदोष के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी मैंने 3 दोषों के मूल मूल बातें की, पित्त के लिए वमन, कफ के लिए नस्य और ये जलनेति सूत्रनेति, और वात के लिए बस्ती। इनके एक एक करके औषधि भी बताएंगे। और उधर हमारे हलूराम जी जो सिंगी के हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, हाँ ये बड़ी परंपरा है भाई हमारी, ये सिंगी चिकित्सा जो महर्षि सुश्रुत के समय से चल रही थी, रक्तमोक्षण इसको कहते हैं, सिंगी चिकित्सा, और इसके साथ ये लीज थेरापी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये स्टीम भी बड़ा ज़बरदस्त है,
ये भी कफ कोल्ड के लिए बड़ा अच्छा है। और हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा, पतंजलि बाम की लपेट भी बड़ी जबरदस्त है, वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये स्वामी जी उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन करना कैसे है और कौन से त्रिदोष में कौन से उपाय को करना है, कौन सा योग अभ्यास करना है, ये समझना बड़ा जरूरी है। स्वामी जी, अप्रैल से जून तक देश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जिसमें 20 दिन तो हीट वेव के भी होंगे और इलेक्शन भी इसी के बीच है। जाहिर है लोग घरों से बाहर तो निकलेंगे ही, गर्मी की चपेट में भी आएंगे, तो योगाभ्यास के साथ साथ गर्मी से बचने का उपाय क्या क्या अपनाना है और कौन कौन सी परेशानी इन गर्मियों में हो सकती है, लू में हो सकती है, इसे समझाएं और उपाय भी बताएं। मसलन डिहाइड्रेशन हो गई, बेहोशी हो गई, सिर दर्द हो गया, चक्कर आना हो गया, उल्टी दस्त या मांसपेशियों में ऐंठन थकान जैसी समस्या हो गई। स्वामी जी, बीमारियों की लिस्ट लंबी है, लेकिन समाधान योग आयुर्वेद में है। दो से ढाई लीटर शुद्ध पानी पीना है, जीरा, धनिया, सौंफ, ये सबके घर में मिल जाता है। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल, इसका मैंने नाम रखा है पित्तहर पे, शीशम, पीपल, बेल, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, शीशम, पीपल, बेल, दूरवा, दूधी घास, जलजमनी किसी को मिल जाए, वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये ऐसी चीजें बता रहा हूँ, इसमें से 5-7 में से जो मिल जाए उसी का उपयोग कर लें। और हमारे अजय और उनके साथ हमारे योगी भाई इधर भी हैं और इधर योग भी कर रहे हैं। चलो योग मुद्रासन, मंडूकासन भी करते हैं, ये तो 1-2 मिनट प्रतिदिन करना है, पेट बहुत खराब होता है गर्मी में, उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जिनका पित्त बढ़ जाए उसके लिए मैंने पित्तहर पे, पित्तहर जूस बताया, जो के आटे की रोटी और जो की राबड़ी हमने कई बार बताई है, छाछ का प्रयोग, नींबू पानी का प्रयोग, नारियल पानी का प्रयोग, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, हाँ, प्याज, प्याज वो जो का या चने का सत्तू, हरियाणा राजस्थान में सत्तू जो का ही बनाते हैं, बिहार यूपी इधर चने का सत्तू पीते हैं, उसमें थोड़ा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके पीते, क्या टेस्टी और तृप्ति भी पूरी, प्रोटीन भी पूरा मिल जाता, पोषण भी पूरा मिल जाता है और पित्त नहीं बढ़ता। प्याज घंटा, राजस्थान में तो 1 घंटा रोज खाते ही खाते हैं, गर्मी लगती ही नहीं है उससे, इतना जबरदस्त है। तो ये तो, और अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, ये बहुत ही जबरदस्त है अम्ल पित्त के लिए। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति, और वैसे भी हम काम तो था मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी बराबर का मिला करके दे देते हैं, और उसको सौंफ के पानी में, एलोवेरा के जूस में, बीटे ग्रास में, लौकी के जूस के साथ दे देते, पित्त का पूर्ण प्रशमन हो जाता, बड़ा जबरदस्त है। लौकी का जूस पित्त के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पूरे अंदर से शरीर की धुलाई के लिए, या अंदर का वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग पाउडर का काम करता है, अंदर से पूरी धुलाई कर देता है, सफाई कर देता है लौकी का जूस, मोटापा के लिए भी बहुत अच्छा। तो ये एसिडिटी के लिए, बहुत पुरानी एसिडिटी हो तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट दे देते हैं, और सुबह सुबह थोड़ा अनार, थोड़ा सेव, बड़ा जबरदस्त होता है, अंकुरित भी। अब ये तो बात हुई पित्त की, गर्मी बहुत तेज है ना, तो पित्त के प्रशमन के लिए आज हमने एक जूस भी रखा है, उसको जूस बोले या फलूदा बोले आजकल जो भी है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, और ये स्टीम कफ के लिए नस्य, अणुतेल का नस्य, जिसको बहुत ही ज़्यादा, किसी किसी के तो मैं देखता हूँ भयंकर गर्मियों में भी नाक जाम रहते हैं, फिर उनको अणुतेल से बात नहीं बनती, उनको फिर ज्योतिषमती तेल डालना पड़ता है, किसी को अणुमत तेल और ज्योतिषमती मिला करके डालते हैं, फिर ये नस्य भी करवाते हैं, नशे के साथ साथ ये स्टीम जो दे रहे हैं ये करवाते हैं, बड़ा जबरदस्त है स्टीम का प्रयोग। और आप बाई तरफ देख रहे हैं ये
जो है नस्य, इसके साथ साथ में जो है कफ रोगों के लिए हम अनार, पपीता और खजूर बस इसी का सेवन कराते, बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं। श्वासारी, ब्रोनकोम और ये गोमुखासन, प्राणायाम तो है ही सो है, गोमुखासन और भुजंगासन। गोमुखासन किया है इसलिए, और गोमुखासन हार्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आप कई बार ये सिखा चुके हैं। स्वामी जी, इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हीट वेव का पिछला रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। इतना ही नहीं, देश के 85% इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी। पिछली बार 60% इलाके थे, लेकिन इस बार इसकी जो मात्रा है आप समझे, ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर धीरे धीरे हर साल दर साल और बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो शुगर और हाइपरटेंशन के साथ साथ हार्ट के मरीज हैं उनके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दिल की धड़कन तेज होना, योग के साथ साथ गर्मी में शुगर बीपी को कंट्रोल रखना और हार्ट की परेशानी ट्रिगर ना हो, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? स्वामी जी, गोमुखासन हम कर लेते हैं, लेकिन और कौन कौन से आसन और आयुर्वेदिक उपाय? तो गोमुखासन, दूसरा ये देखो स्कंद संचालन, ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से, इसको कम से कम 25-50 बार करना चाहिए। पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, ऐसे करना है। करो बच्चों, क्या जबरदस्त, ये तो इनके लिए तो ऐसे दाया हाथ का काम लग रहा है, लेकिन ये हार्ट के लिए बड़ा काम है। और हार्ट के लिए ये भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, और फिर उल्टे लेट के मकरासन और भुजंगासन। चलो बच्चों, भुजंगासन करो, कुछ तो दंड ही लगा लो, साधारण दंड, हाँ, ये हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और हार्ट के लिए एक बहुत बड़ा तत्व कह देता हूँ, फिर वात पित्त कफ त्रिदोषों पर भी आएंगे। गर्मी से बचने के लिए अंकुरित लें, सलाद लें, साग सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमक कम, थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि पसीना बहुत निकलता है, सेंधा लें, और मीठा बिल्कुल बंद, चीनी बिल्कुल बंद, थोड़ा हनी ले सकते हैं, वो भी ठंडे दूध में, ठंडे पानी में, शिकंजी आदि में, सब चीनी घोल घोल करके पीते रहते हैं, ये बड़ी खतरनाक है, इससे बचे। एक प्रोसेसर रिजुविनेशन का, खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदय अमृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी और अर्जुन घनवटी भी हमने बना दी। डीजनरेट हुए हार्ट के टिश्यू सेल रिपेयर और रिजुविनेट हो जाते हैं। ये रिपेयर होना, रिजुविनेशन, रीजनरेशन और रेजुलेशन, ये योग से होता है, बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट का। ऐसे ब्रेन का मेधा मेमोरी ओमेगा से, आंखों का आई ग्रिड से, कान का ईयर ग्रिड से, लीवर किडनी का लिवोग्रिड, रिनोग्रिड से, पेनक्रियास का पेंकोग्रिड से, अर्थराइट हड्डियों का ऑर्थोग्रिड से, स्किन का सोरोग्रिट, मिलोनोग्रिट, बहुत ही जबरदस्त ये चीजें हैं। रिजुविनेशन का प्रोसेस तो ये मकरासन, भुजंगासन और प्राणायाम सहजता पूर्वक करें, हार्ट के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। प्रचंड गर्मी भी हमने देखी है 50-52 तक, और सही है, भगवत कृपा से एक बार भी लू नहीं लगा बहन मुझे, और एक बार भी ठंड नहीं लगी, -5 से लेकर के -20 डिग्री तक में ऐसे ही रहते हैं। स्वामी जी, आपका शरीर तो वैसे भी रिसर्च की जानी चाहिए इसके ऊपर। स्वामी जी, अब दिल्ली एनसीआर के लोगों की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में अगले एक हफ्ते तक थोड़ी राहत मिलने की खबर है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो का असर दिखना तय है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बकायदा सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। स्वामी जी, गर्मी में त्रिदोष कैसे बिगड़ता है, पहले ये समझाइए, और साथ ही त्रिदोषों को बैलेंस रखने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जो आप बता भी रहे हैं उसके बारे में भी बताइए, और अल नीनो क्या होता है? देखो ज्योत्सना जी, देखो एक तो सर्दियों के अंदर लोग मीठा बहुत खाते हैं,
सर्दियों में लोग घी बहुत खाते हैं, इससे पित्त दोष भी बढ़ता है और इससे कफ दोष तो बहुत अधिक बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में एकदम ठीक, और जैसे ही मार्च अप्रैल में आए तो फिर नाक चल गई, ओ सांस फूल गई, क्या हुआ, कफ बढ़ गया, फिर एसिडिटी हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई। तो ये जो सर्दियों में खूब पकौड़े तल तल के खाए, सर्दियों में खूब लड्डू जलेबी उड़ाए, गोलगप्पे उड़ाए, तो ये सब सर्दियों के अंदर जो बहुत ज़्यादा घी तेल तीखा का प्रयोग किया गर्माहट के लिए, गरम गरम चीज़ें खाई तो उससे पित्त बढ़ गया, चिकनी चीज़ें खाई उससे कफ बढ़ गया, और योगाभ्यास नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, उससे वात दोष बढ़ गया। इसलिए जो ऋतु का संध्या काल है उस समय पंचकर्मा षटकर्मा करने का हमारे यहाँ विधान है। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में, तो फिर भी 50-100 लोगों को तो हम एकोमोडेट कर ही लेते हैं, इतनी व्यवस्थाएं तो बना के रखनी पड़ती हैं। तो जिनको ये सौभाग्य मिल जाए कि पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आ सकें तो वो तो एक बार पंचकर्मा षटकर्मा करने दे, नहीं तो घर पे ही जैसे आज हमने प्रारंभ में जलनीति सूत्रनीति कुंजर आदि बताया था वो कर लें। सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करें और इंटरमीडिएट उपवास का तो नियम ही ले लें। मैंने पित्त का और कफ का तो बताया था, वात दोष के लिए रक्तमोक्षण जो यहाँ पर चल रहा है श्रृंगी और लीच और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने के पत्तों का रस, 5 में से 2-3 भी मिल जाए, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ ले लें, 10 मूल क्वाथ ले लें, इसका रस पीते हैं ना, उससे वात दोष प्रशमन हो जाते हैं। और दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें वात दोषों में, पित्त दोषों में जितनी भी तली हुई चीज़ें और जितनी भी मसालेदार चीज़ें हैं इनका सेवन ना करें, और कफ दोषों में चिकनाई और ठंडी चीजें ठंडे पानी से भी बचना, तो ऐसे ये कुछ उपाय करने चाहिए। अच्छा स्वामी जी, मैं आपको कुछ पूछने के लिए रोकना चाह रही हूँ। रेडीमेड उपाय जी मेरी बहन, आप स्वामी जी कई बार कहते हैं कि पंचकर्म से ये ठीक होता है, षटकर्म क्रिया करनी चाहिए, तो पंचकर्म और षटकर्म की क्रिया में क्या अंतर है, कैसे ये अलग है और इनके फायदे तो आप बता ही रहे हैं। देखो षटकर्म है, धोतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा, चलो बच्चों सर्वांगासन और शीर्षासन करो, धोती जल धोती वस्त्र धोती जो करके दिखा रहे थे, धोती बस्ती जो एनिमा होता है, धोतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम और नोली क्रिया जो कई बार मैं कर, धोतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते। तो योग का तो होता है षटकर्म, आयुर्वेद में स्नेह स्वेदन वमन विरेचन रक्तमोक्षण नस्य अक्षितर्पण शिरोधारा, इसमें पूर्व कर्म अपर कर्म ऐसे करके पूरा एक विधान है पंचकर्मा का, स्नेहन का स्वेदन का। स्नेहन में 20 ग्राम से लेकर के और 200 ग्राम तक घी पिलाते हैं, 20 ग्राम से शुरू करते हैं, 200 ग्राम तक पिलाते हैं, फिर वमन कराते हैं, फिर बस्ती कराते हैं, स्नेहन से पूरे शरीर के दोषों को पहले उभारते हैं और फिर उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन ये रक्तमोक्षण ये सारा, फिर शिरोधारा अक्षितर्पण कर्णपूर्ण और अलग अलग प्रकार के जो अभ्यंग वो स्वेदन के अंतर्गत ही आ जाते हैं, और वमन विरेचन जो शरीर से बाहर निकालने का जो रक्तमोक्षण है, सारी चीज़ों का विधान। ये आयुर्वेद का पंचकर्म है, योग का षटकर्म है, और ये पंचकर्म षटकर्म अंदर से हमें शुद्ध करने के लिए है। बाकी प्रतिदिन आप देखते हैं हम यहाँ एक इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस जिसमें मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन और ये नौकासन तक, आपने ठीक ही कहा, इतनी प्रचंड धूप है मेरे सामने, इधर अब मैं सूरज देख रहा हूँ तो देखा नहीं जा रहा, इतनी बुरी हालत है हरिद्वार की हालत, बाकी देश की क्या हालत होगी। और
इसीलिए हमने आज सूरज को साइड में कर दिया है। पीछे ले आते तो कैमरे में जी की प्रॉब्लम होती, सारा ब्लैक ब्लैक दिखने लगता, कई चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भी सच में हरिद्वार में जब इतनी गर्मी है, गर्मी तो भीषण है स्वामी जी, देश का क्या हाल होगा। बहुत गर्मी है स्वामी जी, और ये गर्मी जो है ना ये पेट के मूड को भी प्रभावित कर देती है। आप हमेशा ये कहते हैं हित भुक मित भुक रित भुक, लेकिन मौसम जल्दी ही इतना गर्म होने वाला है कि इसमें पाचन का ख्याल रखना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। तो स्वामी जी, इस ऋतु में पेट का ख्याल कैसे रखा जाए, क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है? देखो मंडूकासन, शीर्षासन और सर्वांगासन तो बच्चों ने कर दिया, चलो पवन मुक्त आसन करो बच्चों। ये दो आसन तो सब करें, ये तो नियम ले ले के भाई रोज पवन मुक्तासन और मंडूकासन पेट के लिए। अभी हम भुजंगासन और मरकटासन कर लेते वो पेट के लिए, और जिनको वेट की प्रॉब्लम है सित कोणासन, चक्यासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 से 5 आसन वेट के लिए, और टोटल बैलेंस के लिए सूर्य नमस्कार, ये तो नित्य नियम से करें। बस्ती का कपाल भाती, ये अनुलोम विलोम 3 मुख्य प्राणायाम, और गर्मी के अंदर तो शीतल शीतकारी ऐड कर ले उसमें। आम का पना, आम का पना, आम को उबाल करके, छोटी सी बात है, बने हुए बाजार से शरबत लेके आते हैं, कोई गुलाब का, कोई पता नहीं तरह तमाम तरह के, इधर उधर के उल्टे पुल्टे, कोई रू अफजा, कोई गुरुजी ठंडाई, और उसमें फोटो ऐसा लगा रखा, बोलो बाबा जी आपने बनाए है क्या है? मैंने कहा भैया रू अफजा से और जो गुरुजी ठंडाई से और पता नहीं क्या क्या ठंडाई और मलाईदार जो ये चटाई, ये सब मामला बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो आप क्या करें, अपने घर में ही ऐसी व्यवस्था करें, रोज खाने में पहले खीरा, ककड़ी, टमाटर, अलग अलग प्रकार के सलाद, थोड़ा सा उसमें अनार, अनार बहुत अच्छा है पेट के लिए, मैंने हजारों बार इसका प्रयोग किया है, और भगवत कृपा से 25 लाख किलोमीटर में घूमा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ कि उल्टी दस्त लग गए कि फूड पॉइजनिंग हो गया। अनार शायद इसलिए कहते हैं ना, एक अनार कितना 100 बीमार और 100 बीमार ठीक हो जाते हैं, इसलिए अनार में इतने दाने भी होते हैं। बेल का प्रयोग बड़ा अच्छा होता है, बेल का शरबत, अभी बेल भी हमने पूरी जो है मोटी मोटी लगी हुई है, बेल का शरबत बड़ा जबर, बेल के शरबत में भी ऊपर से चीनी डाल देते हैं लोग, वो ना करें, पानी में डाल कर पिए, बेल ऐसे ही खा ले, बेल को भून करके खा लेते हैं, जैसे शकरकंदी को भून के खाते हैं जी, बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, बेल की कैंडी, आंवले की कैंडी, ये सब भी सब घरों में रखनी चाहिए। वैसे स्वामी जी बताइए तो, कि ये जो बेल है किसी को भी ये मतलब इतना पौराणिक मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हम कह सकते हैं मॉडर्न युग है इसमें बहुत कम चर्चा होती है बेल की, लेकिन उसके कितने फायदे हैं जो आप बता रहे हैं स्वामी जी। क्योंकि हम खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो अक्सर आप कहते हैं कि मौसम के हिसाब से हमारा आहार होना चाहिए, अब इस समय जैसा मौसम है उसमें शरीर के अंदर ठंड के मौसम से जमा हुए कफ को सूरज की रोशनी पड़ने पर जो पिघलने लगता है, और जठाग्नि जो होती है वो मतलब भूख कम लगने लगती है, तो डाइट कैसे लेना चाहिए इस दौरान, क्योंकि आम की चटनी, पन्ना, छाछ, नारियल पानी, अनार, सेब जिसका आप जिक्र कर रहे थे, खट्टी चीजें, तीखी चीजों से परहेज करना चाहिए, तो ये सारी जो चीजें स्वामी जी डू एंड डोंट्स है ना। अच्छा बात कहा कि ये जैसे ही सर्दी के बाद गर्मी पड़ती है ना तो कफ पिघलता है जी, और उसके लिए फिर हमने ये स्टीम बताई जो उधर बहन हमारी लगातार ले रही है, स्टीम अणु तेल का, बादाम रोगन का, ज्योतिषमती का, षडबिंदु तेल का, सरसों के तेल का नस्य करें, जानाजुक प्रकृति वाले गाय के घी का ही नस्य कर ले, जल नेति सूत्र नेति कर ले, बड़ा जबरदस्त, स्वासारी क्वाथ, ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले, ये बहुत जरूरी, नहीं तो भयंकर प्रचंड गर्मी भी नाक बह रही है, गले में खूखू हो रही है, आँखों से पानी निकल रहा है, कान गुम हो रखे हैं, ये हालत हो जाती है, तो आँखों के लिए एग्रेट, कान के लिए एग्रेट, नाक के लिए नस्य, ये बहुत जरूरी है।
और घी और ठंडी चीजें थोड़े दिन ना खाएं, फिर जब कब बढ़ जाए तो। और ये कोई उपद्रव ना हो इसके लिए, कफ के लिए बेस्ट है सुबह गर्म पानी के अंदर शिला तुलसी मिला करके पी लें। ये ना बहुत गर्म पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा कफ की चीज निवारक चीज़ें लेते हैं ना तो कई बार उससे एसिडिटी बढ़ जाती है, तो सुबह सुबह गर्म पानी में शिला तुलसी का ड्रॉप ही मिला करके पी लें। रात को दूध के साथ ये गुलकंद खा लें। गुलकंद लोग पान में भी लगा करके खाते, जो मीठा पान खाते बिना तंबाकू वाला है, बिना चूनी वाला, तो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। गुलकंद दूध के साथ ले लो, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। एरंड तेल ले लो, वात भी का प्रशमन और पित्त का भी प्रशमन और पेट भी एकदम अच्छा हो जाता है। ये गोधन अर्क जो हम देते हैं जिनका पेट गड़बड़ रहता है, तो गोधन अर्क में थोड़ा शहद मिला लो तो एसिडिटी नहीं करता। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो उपाय बताते हैं ना, और उसमें क्या अनुपान है, क्या सहपान है, थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखें। स्वामी जी, अब जैसे ये पुदीना के जो कैप्सूल है, तुलसी पंचांग के बाद स्वामी जी खाली हमारी टीम भी कर रही है, वो पूछ रही है तुलसी पंचांग का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। तुलसी के जो बीज है ना, अब जैसे तुलसी है, वन तुलसी और तुलसी, इसके बीज रात के को भिगो करके सुबह पी लेते हैं। विजल ड्रिंक हमने बना रखा है इसका, पहले विदेश से आया करता था, अब हमने तुलसी के जो, अब देखो तुलसी के पत्ते गर्म होते हैं, तुलसी के बीज भी गर्म होते हैं, रात को भिगो के सुबह पी लेते हैं ना, इतने ठंडे होते हैं तुलसी के, ओहे राम कितने भयंकर, जिनको पित्त का प्रशमन हो। तुलसी या वन तुलसी है? चिया सीड बोलते हैं ना, चिया सीड। हाँ, अच्छा, चिया सीड वन तुलसी होती है। ये रात को भिगो करके ये स्वामी जी से पूछा था। स्वामी जी, मैं रोज पी रही थी, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगा ये चिया सीड क्या चीज है। कई बार कार्यक्रम में स्वामी जी ने बताया है चिया सीड। चिया सीड मैं तो उसे नींबू डाल के थोड़ा अच्छा सा भिगो के एक बॉटल पूरी टिका रही थी। कई लोग तो स्वामी जी से अपने रायते और ड्रिंक्स भी डालते हैं, और पेट के लिए परम औषधि है आजकल, क्योंकि फ्रूट शेक के साथ भी देते हैं, मतलब ड्रिंक्स हो गए इन सब में। अब स्वामी जी, इसके साथ एक और चीज है, वो इलेक्ट्रोलाइट, इसकी भी शरीर में कमी होने लगती है स्वामी जी, तो इसके बारे में भी जरा समझाइए और कुछ योगाभ्यास बताइए इसके लिए। देखो योगाभ्यास तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ज्यादा करें। अब जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है तो वो तो कठिन योग भी कर सकते हैं। हमारे बालक अजय और इनकी पूरी टोली है ये, हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय की, ये तो चक्रासन और उत्थित पाद चक्रासन, ये तो तरह तरह के योग करके आनंद लेते रहते हैं। अब कहाँ जो योग करता है, न सर्दी न गर्मी न भूख न प्यास न मान न अपमान न सुख न दुख न लाभ न हानि, ये सब राग द्वेष कोई उनके ऊपर असर करते नहीं, सबसे वो बेअसर रहते हैं और बीमार नहीं होते। खैर, तो जो है जो कुछ ना कर सके ना, वो प्राणायाम अवश्य करे, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये तो परम औषधि है। सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई, स्कंध संचालन और भस्त्रिका, कपालभाति, थोड़ा बाह्य प्राणायाम, कितने अच्छे हैं ये सब। स्वामी जी, मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रही थी, आपने इसका भी कई बार कार्यक्रम में जिक्र किया है, तांबे का बर्तन और जो अलग अलग धातु के बर्तन होते हैं, तो हमने कई जगह ये पढ़ा भी है कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर के जो तीनों दोष हैं उनको बैलेंस किया जा सकता है। अलग अलग मेटल मिट्टी के बर्तन से कैसे त्रिदोष बैलेंस होता है और किस सीजन में किस दोष को बैलेंस करने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल करें? तांबे से किसी किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए त्रिदोष के लिए मैं एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा, सबको सुलभ है ये। तांबे के सिक्के, चांदी के और सोने के सिक्के मिल जाते हैं, तो एक बड़े से घड़े में एक बड़ा सा सिक्का चांदी का, एक छोटा सा ही सिक्का अब जिसकी जैसी कैपेसिटी है सोने का, सोना थोड़ा भी बड़ा गुणकारी होता है, और ऐसे एक तांबे का सिक्का, ये घड़े में
डाल दे, इससे वात पित्त कफ त्रिदोष प्रशमन होगा। चांदी से पित्त दोष, और वैसे घड़े के पानी से त्रिदोषों का प्रशमन होता है जिनकी, लेकिन बहुत अधिक कफ के प्रति वात की प्रकृति है, तो घड़े के पानी को भी थोड़ा गुनगुना करके उनको पीना चाहिए। तो एक एक सोना चांदी तांबे का सिक्का घड़े में डाल करके पियेंगे तो त्रिदोषों का प्रशमन होगा। सोने के पात्र में रखा हुआ जल आयुष्य को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रेंथन करता है। चांदी के में रखा हुआ जो है ये पित्त दोष को, और तांबे वाला कफ और वात दोष में आपकी मदद करता है। इससे स्किन डिसऑर्डर भी नहीं होते। तो ये जल के बारे में थोड़ा सा मैंने कहा, जल 2 से 2.5 लीटर अवश्य ही पीना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से 2.5 से 3 लीटर लिक्विड, छाछ हो, दूध हो, फल हो, जूस हो, किसी न किसी रूप में लिक्विड करीब 2.5 से 3 लीटर गर्मियों में अवश्य शरीर में जाना चाहिए। स्वामी जी, और ये जो अलग अलग जो है सूक्ष्म तत्वों की, पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है, उसके लिए बाजार से अलग अलग प्रकार के जो है वो कोई कॉर्न का बना हुआ, कोई और का बना हुआ ग्लूकोज, ये वो सब पीते रहते। तो ग्लूकोज वैसे तो कॉर्न से बनता है, वो और दूसरों से अच्छा है, इसलिए चीनी का मैंने मना किया था। गुड़, शक्कर या ग्लूकोज जो कॉर्न से बनता है, इस सब को पानी में घोल करके भी पीते हैं। नींबू पानी सबसे बेस्ट होता है, वैसे नींबू पानी और शहद, तो ये सबसे अच्छा होता है, उससे फिर शरीर में कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, जो अमित भाई पूछ रहे थे। अच्छा स्वामी जी, 3 जो सिक्के हैं वो कौन से घड़े में डालें, किसी भी घड़े भी बता दीजिए। मिट्टी के घड़े में डालिए। आजकल तो आप तो चांदी के घड़े में डालना, आपकी चांदी हो रखी है। बाकी मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी जो है उसमें मिट्टी के घड़े में डाल लेंगी। नहीं, ठीक पूछ रहा है, आजकल तांबे के भी घड़े आ गए हैं, आजकल चांदी के भी घड़े आ गए हैं, मिट्टी के भी घड़े आ गए हैं, और सप्त धातु के भी घड़े आ गए हैं। हाँ, बड़ा सही रख लीजिए, मिट्टी की से पानी पीजिए। स्वामी जी, हम अलग अलग तरीके के उपायों की बात कर रहे हैं, योगिक भी और आयुर्वेदिक भी, तो त्रिदोष को शांत करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है, किस दोष को कौन से प्राणायाम के जरिए शांत किया जा सकता है? स्वामी जी, एक प्राणायाम की सेशन, प्राणायाम का भी अभ्यास कराएं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक भस्त्रिका से दूर होगा, भस्त्रिका कफ दोष के लिए, और अनुलोम विलोम वात दोष के लिए, पित्त दोष में पाचन गड़बड़ होता है, मंदाग्नि जठराग्नि गड़बड़ होती है, तो कपाल भाती धीरे धीरे, कुछ बच्चे अनुलोम विलोम करो, त्रिदोष के लिए है, और वात दोष के लिए विशेष रूप से। वात दोष वैसे कपाल भाती से भी दूर होता है, भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम तीनों करते हैं तो त्रिदोष ही दूर हो जाते हैं। भस्त्रिका मूल रूप से 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा करके कफ दोषों से, अनुलोम विलोम 1 लाख किलोमीटर लंबे हमारे सर्कुलेटरी ट्रैक करके वात दोषों से, नाड़ी दोषों से हमें मुक्ति दिलाता है। कपाल भाती सहज, और इसमें शीत शीतकारी तो पित्त दोषों का प्रशमन कर देता है। ऐसे ये मुँह से लेना, नाक से छोड़ना, और बाएं नाक से लेना, बाएं चंद्रसर, इससे पित्त दोषों का प्रशमन होगा। शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी से, बाएं चंद्रस्वर है, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। जिनको कफ दोष है उनको सूर्य भेजे, दाएं से लिया, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। अब देखो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, जिनको पित्त दोष है उनको गाय के घी का सेवन करना चाहिए, गाय का घी और गाय का दूध, ये पित्त दोष का प्रशमन कर देता है। जिनको कफ दोष है उनको दही का सेवन करना चाहिए, दही में थोड़ा गुड़ शक्कर डाल करके, लेकिन क्रोनिक कफ वालों को नहीं करना। और जिनको वात दोष है उनके लिए तो मैंने पहले ही बताया है, ATM की सब्जी और आटा गूंदने के लिए एलोवेरा और थोड़ा उसमें सहजना, इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा, वात दोष पूरे खत्म हो जाते हैं। जिनको पित्त दोष है उनको भी एलोवेरा बड़ा जबरदस्त होता है। 3 दोषों के साथ लौकी साथ में एक और दोष है जिसको झेलना पड़ता है हर किसी व्यक्ति को, लौकी का जूस बना करके उसमें आटा गूंदो,
स्वामी जी, और दूध में आटा गूंथते हैं, दूध में और घी में, तो जिनका पित्त गर्मी शरीर में बहुत बड़ी होती है वो भी दूर हो जाती है, और उससे स्वादिष्ट रोटी कोई नहीं लगती। एक दिन केवल दूध में और थोड़ा उसमें एक दो चम्मच घी डाल करके, और उसकी रोटी तो 7 दिन तक खराब भी नहीं होती। पहले हम देखते बड़े बुजुर्ग घर से बाहर जाते थे 5-7 दिन के लिए, तो यही मून की रोटी बोलते थे इसको गांव के अंदर राजस्थान में, वो खिला माताएं बहने बांध दिया करती थी। और जो है जो या अपने घर से बाहर तीर्थ के लिए कहीं पर भी बाहर व्यापार के लिए यात्रा के लिए जाते थे उसका प्रयोग किया। तो स्वामी जी व्यापार तो नहीं लेकिन रोजाना काम के लिए लोगों को तो घर से निकलना ही पड़ता है, लेकिन स्वामी जी आपने बताया कि आपको कभी लू लगी नहीं है, लेकिन अगर किसी को लू लग जाए फिर क्या करें, सिर दर्द, उल्टी शुरू हो जाए, स्वेटिंग बंद हो जाए, तो फिर स्वामी जी ऐसे कंडीशन में कौन सा प्राणायाम करना जरूरी हो जाता है, या फिर क्या उपाय है स्वामी जी इसके लिए कि इंस्टेंट हमें उससे आराम मिले? तो देखो, एक तो जिनको इंस्टेंट आराम के लिए, एक तो ये ना ये मिंट का ये कैप्सूल रखना पानी के साथ, ढेर सारा पानी, करीब 1 लीटर पानी और ये एक कैप्सूल ये खा लेना, और जो है गुलकंद पास में रखना, गुलकंद खा के ऊपर से पानी पी लेना। सबसे अच्छा प्याज रखो, प्याज खा लो और पानी पी लो। अनार जेब में रखना, अनार प्याज ये तो जेब में ही रहनी चाहिए। तो लहसुन को कम खाना वात रोगों के लिए अच्छा होता है, वात के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कफ के लिए, वेट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लेकिन घी में भून करके इसका दुर्गंध, इसकी तामसिकता, इसकी तीक्ष्णता, तीखापन सब दूर हो जाता है। तो भुना हुआ लहसुन खा सकते हैं केवल, बस जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, गाय के घी में थोड़ा सा फ्राई करके, थोड़ा सा इसको रोस्ट करके फिर ही प्रयोग करना। तो अभी तो एक बहुत जबरदस्त आज पाक शास्त्र में स्वामी जी उसकी बहुत तरफ बड़ा भी उपाय बताने लेकिन वाले एक हैं। मेरा सवाल और है आपसे, बहुत सुंदर दृश्य योग के और पतंजलि गुरुकुलम के लोगों ने देखे। स्वामी जी दूसरा अमित जी को भी इच्छा हो रही होगी, स्वामी जी काश हम भी ऐसे गुरुकुल में पढ़े होते, बहुत कर रहा है, बहुत अच्छे हो आप, वैसे तो आप योगी तो हो ही गए हो, परम योगी नहीं हो। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी हमने लू की बात की, उससे इंस्टेंट रिलीफ के उपाय आपने बताए, लेकिन गर्मियों में एक और परेशानी है और वो है मूड स्विंग की। गर्म हो गया है, मैंने हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे तवे पर हाथ रख दिया हो, वैसे भी जो काले काले बाल होते हैं ना ऊर्जा का अवशोषण अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए स्वामी जी जो आपने मड थेरेपी बताई थी ना, लोगों को वो मड थेरेपी बहुत पसंद आई, कितने ही लोगों ने मुझे कहा कि खास तौर पर वो होली वाला कार्यक्रम लोगों ने बहुत पसंद से देखा, क्योंकि मड थेरेपी से इस गर्मी में भी बड़ी राहत मिलती है। मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर अगर बालों में लगा लिया जाए ना गर्मी लगेगी और बाल भी मुलायम हो जाएंगे। स्वामी जी मूड स्विंग के बाद ज्योत्सना कर रही थी, आजकल इनको भी बड़ा मूड स्विंग होता है, लोग बेवजह चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, बात बात पर कभी कभी गुस्सा भी करने लगते हैं, स्वामी जी तो प्राणायाम के साथ साथ ध्यान इस मूड स्विंग को बचाने में कितना कारगर है? लीजिए आप तो पाक शास्त्र वाली टेबल पर आ गए, मुझे लगता है आपने खुद ही जवाब दे दिया। चक्की चलाने से पहले स्वामी जी जरा मूड स्विंग का भी कुछ समाधान दे दें। ध्यान में ना एक तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री का ध्यान, साक्षी दृष्टा होकर के, सारे संसार से डिटैच होकर के, गुरु भगवान के साथ अटैच होकर के ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि क्षण में अपने चित्त को हम गुरु भगवान में, सत्य परम सत्य में लगा सके। हम रोज संघर्ष, झंझट, झंझावाते आंधी तूफान को झेलते और ऐसे मस्त रहते हैं, तो ये ऐसा हमने अपने चित्त का अभ्यास किया कि कभी भी लोअर कॉन्शियस में रहना ही नहीं, हमेशा ओम हायर कॉन्शियसनेस में ही रहना है। और फिर सब ध्यान करके ये रेसिपी तैयार कीजिए, ध्यान इधर ही था, दही डाला इसमें, थोड़ा एक खीरा। मैं तब तक कल का कार्यक्रम बता दो तब तक मैं स्वामी जी जब तक ये पाक शास्त्र की स्पेशल रेसिपी तैयार करते हैं तब तक कल के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। बीते 30 साल पर हुई स्टडी, देशवासियों की उम्र कितनी बड़ी, दुनिया में आगे निकला भारत, फिर क्यों लोगों की सेहत पर संकट, जानिए हेल्थ क्राइसिस के पीछे का सच, योग से कीजिए घातक रोगों का अंत। तो कल सुबह 7:56 पर आप योग की क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पहले ही अपने मैट बिछा लीजिएगा ताकि लंबी उम्र के साथ साथ सेहतमंद जिंदगी पाने के उपाय आप स्वामी जी से जान सके। स्वामी जी देखो ये इसकी तो सुगंधी इतनी अच्छी आ रही है धनिया की,
हमने खीरा डाला इसके अंदर, ये धनिया डाला थोड़ा सा, थोड़ा सा चुकंदर डाल देते हैं, ये चुकंदर थोड़ा ज़बरदस्त, और इसी के अंदर ये पालक डाल देते हैं, ये पालक इसके पत्ते डाल दिए, और दही पहले ही हम डाल चुके थे, हमने दही छाछ सबको उपलब्ध करा दिया है। स्वामी जी, नीचे कुछ लाल लाल रंग का भी है क्या? इसमें लवण भास्कर हिंगवास्टक तो परंपरागत हमारे बने हुए, बड़ा रंग बिरंगा है, और भुना हुआ जीरा, और हाँ, और ये सब डाल करके और दही छाछ डाल करके फिर इसको घुमा देते हैं, और फिर इसको जैसे हमने डेट का बताया था वेट बढ़ाने के लिए, वो सर्दियों के अंदर बताया था, अब देखो ये आ गया है, अब हमारा ये जूस पीने वाला भी हमारा बालक तैयार है, पी ले बेटा। हाँ, और ये बेल का जूस हमने उपलब्ध करा दिया पूरे देश को, वेजल ड्रिंक जो मैं बता रहा था वो ये था, तुलसी का, पहले विदेशों से आता था 100-200 रुपये का, हमने उनसे 1/10 मूल्य के अंदर ये उपलब्ध करवा दिया, और ये बेल का शरबत भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका भी कोई जो को आलसी जीव है उनके लिए बनाया, बाकी तो अपना फ्रेश बेल लेना और उसका बना करके पी लेना। तो आज जो उपाय बताए हैं, इनको उपायों को जो अपना लेंगे फिर उनको ज़िंदगी में गर्मी नहीं लग सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, गर्मी से भी बचाएंगे, सब रोगों से बचाएंगे, और सबको योग की आयुर्वेद की पूरी ठंडक दे करके तरोताजा रखेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम, प्रणाम स्वामी जी।